साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक दबंग 3 को लेकर लोगों को खासा इंतजार था। सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा, साई मांझरेकर स्टारर ये फिल्म इस साल की सबसे बड़ी फिल्म ही मानी जा रही है, जिसके चलते लोगों को इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं। वहीं बीते दिनों ही ये फिल्म रिलीज हुई, लोगों को चुलबुल पांडे यानी कि सलमान को बड़े पर्दे पर देखने का एक बार फिर मौका मिला। रिलीज के बाद लोग फिल्म की कमाई पर ध्यान देते हैं। हालांकि फिल्म का फर्स्ट डे कलेक्शन उम्मीद से कम ही रहा, लेकिन भले ही पहले दिन ये फिल्म उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी हो, लेकिन अपनी ओपनिंग डे की कमाई से साल 2019 के कई सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर डाले हैं। देखा जाए तो फिल्म ने हिंदी भाषा में 20 करोड़ की कमाई की है, तो देश के बाकी हिस्सों के आंकड़ों को मिला लिया जाए तो फिल्म ने पहले दिन अपने खाते में 24 करोड़ 50 लाख रुपए जोड़े हैं और इसी के साथ ये फिल्म साल 2019 की चौथी सबसे बड़ी ओपनर का खिताब अपने नाम कर चुकी है। बता दें कि दबंग 3 ने ये खिताब साहो, कलंक और कबीर सिंह जैसी फिल्मों को धूल चटाकर अपने नाम किया है। अगर आपको याद ना हो तो बता दें कि ऋतिक टाइगर की गौर ने पहले दिन 53 करोड़ 35 लाख रुपए कमाए थे। वहीं भारत ने 42 करोड़ 30 लाख, मिशन मंगल ने 29 करोड़ 16 लाख कमाए थे। अब अगर आप मिशन मंगल और दबंग 3 के आंकड़ों के बीच का डिफरेंस देखें तो साफ नजर आता है कि अगर देश भर में इस वक्त विवाद ना हो रहा होता तो सलमान ने अक्षय की इस फिल्म को भी आराम से पछाड़ दिया होता। जैसा कि सभी जानते हैं कि इस वक्त पूरा देश गुस्से की आग में जल रहा है। ट्रेड एक्सपर्ट का मानना है कि देश भर में चल रहे प्रोटेस्ट की वजह से कई सारे लोग दबंग 3 को देखने के लिए घर से नहीं निकल पाए हैं, जिसका सीधा असर फिल्म की कमाई पर पड़ा है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी फिल्म की कमाई पर इसका असर पड़ सकता है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में फिल्म की कमाई में कोई बढ़ोतरी होती है या नहीं। बात करें इस फिल्म की तो ये फिल्म चुलबुल पांडे के अतीत के बारे में है, जिसमें उन्हें यंग लुक में दिखाया गया है। प्रभु देवा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में सलमान, सोनाक्षी, साई के अलावा किच्चा सुदीप भी नजर आए हैं। वैसे आपने अगर ये फिल्म देख ली है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी।